अभी हो गई है शाम और हम लोग अब जा रहे हैं सनसेट पॉइंट के लिए। वहाँ पे वाइट डेजर्ट पे सनसेट पॉइंट है, तो अभी वहाँ के लिए ही निकले हुए हैं। और कितना ब्यूटीफुल रोड, देखो सामने सन दिख रहा है, साइड में दोनों तरफ खाली मैदान पड़ा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत मज़ा आ रही है, बाइक चलाने में भी इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊँ ये फीलिंग, वाओ ले जैसी फीलिंग आ रही है। तो बस 15-20 मिनट में भी हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। जाके थोड़ा साइड में उतरेंगे, सनसेट पॉइंट देखेंगे। मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मस्त लग रहा है ना, इतनी मस्त रोड, वाह यार बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये आ गए हम लोग सनसेट पॉइंट पे, अभी नीचे उतरेंगे यहाँ से। अभी गए हुए हैं एक राइडर, गए हुए हैं नीचे जाके, वो देखने गए हुए हैं कि नीचे आना सही रहेगा कि नहीं। हाँ, डेजर्ट, वाइट डेजर्ट नहीं देखा तो क्या किया लाइफ में। अरे बाप रे, गाइस आ गए हम लोग व्हाइट डेजर्ट फाइनली। ये सनसेट का व्यू यहाँ से दिखेगा, ये आवाज। आज तो मस्त अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए यार, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सबको यार, इतना मस्त एक्सपीरियंस कराने के लिए। ये देखिए, वाओ, माय गॉड। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगी। वहाँ पे इतने मस्त आएंगे, ऐसा एक्सपीरियंस किसने किसने किया है बताना मुझे। आज तो मेरा एक्सपीरियंस क्या ही जबरदस्त रहा है, मैं बता नहीं सकती यार, बहुत ही अमेजिंग रहा है। बहुत मड राइड, ऑफ रोडिंग, पता नहीं क्या क्या कर डाला। अभी देखो यहाँ से गाड़ी वहाँ से नीचे लाई रेत से, पूरा सैंड से। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत हम लोग तो बॉर्डर पे भी गए थे, वहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं बना नहीं पाई। वहाँ पे आगे जाके बॉर्डर है, सो उसकी वजह से मेरे फ़ोटो वीडियो मैं नहीं बना पाई। अभी हम लोग आए हैं सनसेट पॉइंट पे। चलो यार, अभी मैं मेरा टाइम है एंजॉय करने का, मैं तो सनसेट एंजॉय करती हूँ। बाकी आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहो, जावा का आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाती रहेगी। और गाइस लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अभी नेक्स्ट राइड मेरी कहाँ होने वाली है, उसके लिए बने रहना इंस्टाग्राम पे।
ये तो हो गया, सनसेट भी हो गया, अभी बहुत अंधेरा हो गया और हम लोग निकल रहे हैं होटल के लिए। तो अभी गाड़ी ऊपर चढ़ा के ले जानी है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट डर के आगे जीत है। भाई अब आया मेरा नंबर डेयर करने का। ओ हो, रेत भी है तो दिक्कत ही है। चलो जय माता दी। गाइस ये जो लाइट दिख रही है आप लोगों को, ये है टेंट सिटी। पूरा यहाँ पे फेयर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी थोड़ा पास जाके मैं दिखाऊंगी वहाँ पे। अभी अंधेरा भी हो गया है तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट बहुत ब्यूटीफुल उधर जाके लगता है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट टेंट सिटी। यहाँ पे रण महोत्सव लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। बट अभी मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो रही है तो शायद पूरा शूट नहीं हो पाएगा। माई बैड लक यार, शिट। गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो गाइस आज हमारा यहाँ पे थर्ड डे है कच्छ में। सो आज तो हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही जितना भी रहा है यार, बहुत ही अमेजिंग रहा है जो भी रहा है। इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हम लोगों ने देखे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही अमेजिंग था। सो आज अभी हम लोग, टाइम हो रहा है 9, यहाँ से निकलेंगे, 6-7 घंटे तो लगेंगे अपने को जाने में। तो फाइनली हमारा यहाँ से कच्छ से टाटा बाय बाय। नेक्स्ट टाइम कब आते हैं वो भी नहीं पता है। सच गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ये तो गए। सो अभी हम अपने छोटे छोटे से घर छोड़ रहे हैं। काफ़ी मिस करूंगी मैं इस जगह को यार, बहुत मिस करूंगी। इतना मज़ा आया ना मुझे यहाँ पे आके, लिटरली बहुत ही यार। सो चलो गाइस अभी गियर अप करते हैं, जैकेट वगैरह पहनते हैं, फिर चलते हैं अपने प्रस्थान करते हैं अहमदाबाद की ओर। अभी तो मुझे अहमदाबाद से पुणे का फिर से ट्रैवल करना है। वो तो अच्छा है कि कार से जाना है अहमदाबाद से पुणे, नहीं तो गंदी थकान आती यार। बट बहुत मज़ा आया, थकान तो ठीक है बट ऑसम रही राइड ये ग्रुप के साथ, ओवरऑल जो भी था। तो गाइस अब फाइनली हम लोग यहाँ से अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करते हैं। सो जहाँ भी हम लोगों का रुकना स्टे वगैरह था, बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं, टाइम तो बहुत हुआ है, 10 बज गए हैं। तो उम्मीद तो है कि 8-9 घंटे में पहुंचेंगे, देखते हैं। लक्सी अभी तो लंच ब्रेक वगैरह भी होगा रास्ते में। इतनी थकान हो गई थी सुबह, जल्दी किसी से उठा ही नहीं गया। चलो जी भाई लोग, भाई लोग हर महादेव, हर हर महादेव।